बीकानेर के खाजूवाला में अनूपगढ़ शाखा के अंतिम छोर के किसानों को पूरा पानी नहीं मिलने से नाराज होकर किसान 6 दिनों से BGM नहर की RD-20 पर धरने पर बैठे थे, जिस पर सिंचाई पानी को लेकर किसानों में इतना आक्रोश था कि 3 दिनों से 4 किसान अनशन पर बैठे थे। लेकिन आचार संहिता लगने से सरपंच मांगीलाल मेघवाल ने किसानों के बीच जाकर समझाइश की। वहीं थाना अधिकारी विक्रम सिंह चारण की अध्यक्षता में वार्ता हुई, जिसकी सफलता के बाद सरपंच ने जूस पिलाकर किसानों का अनशन तोड़वाया। लेकिन इस दौरान किसानों ने मांगे पूरी नहीं करने पर पुनः धरने की चेतावनी दी। किसानों की मांग है कि नहर में सिल्ट निकाल कर वरीयता क्रम के अनुसार पानी चलाया जाए, जिस पर अधीक्षण अभियंता राम सिंह और अनिल कैथल, राजस्व तहसीलदार सूरज भान बिश्नोई ने किसानों को आश्वस्त किया कि उनकी मांगों के अनुसार वरीयता क्रम में उनके हक का 10% पानी पहुंचाया जाएगा। नहरबंदी के दौरान 2 LNT मशीनें लगाकर KY नहर में से सिल्ट निकालकर अंतिम छोर तक पूरा पानी पहुंचाने का आश्वासन दिया गया। वो पूरा पानी चाहिए तो पिछला पानी जो चला है प्रयासों के बाद 8 हिस्से तो रहा है, 2 हिस्से पानी टेल पे कम है, तो उसके लिए हमने मशीनें बाहर से 2 मशीनें मंगा रहे हैं और मशीनों से सिल्ट निकाली जाएगी, उससे कुछ पानी बढ़ेगा। और इसके अलावा किसानों की मांग की थी कि पिल्दवाल हेड से क्या है कि स्टार्टिंग में जो पानी छोड़ते हैं वो कम रहता है, 2 दिन कम चलता है, फिर बाद में पूरा किया जाता है, तो उनको आश्वासन दिया है कि अब की बार स्टार्टिंग से पानी